Hello guys, so taking our very interesting discussion forward, we talked about the difference between stamps and coins in our previous discussion with Dr. Bhanu Pratap Singh. इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. मेरे मन में कल ही एक क्वेश्चन आया था पर मैंने सोचा कि उसको आज के डिस्कशन के लिए रखूं. दैट इज़ कि जैसे स्टैम्प्स में स्टैम्प्स किसी के नाम पर या किसी इवेंट पे या किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे जारी होते हैं, डज दैट थिंग हैपन विद कॉइन्स ऑल्सो, या कॉइन्स के पीछे भी ऐसी कोई कहानी है? तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज थ्रो लाइट ऑन. ये बहुत अच्छा सवाल आया आपके मन में. और जी हाँ, ऐसे संस्मारक जिन्हें जो कम्यूमरेटिव कॉइन्स बोलते हैं, तो जैसे स्टैम्प जारी होते हैं उसी प्रकार से सिक्के भी जारी होते हैं, जो सरकार समय समय पर विभिन्न व्यक्तित्व हैं, इवेंट्स हैं या किसी मॉन्यूमेंट्स पे जारी करती है. लेकिन इनमें और स्टैम्प्स ये फ़र्क है कि जहाँ स्टैम्प्स हर महीने 4 या 5 जारी होते हैं, तो लगभग वो साल में 10-20 पॉलिटिकल पर्सनालिटी, 10-20 इवेंट, 10-20 फेस्टिवल, उन पे जारी हो जाते हैं. लेकिन सिक्कों के जारी करने की प्रक्रिया अलग है, तो ये साल में 3 या 4 ही हो पाते हैं. तो इन्हें हम संस्मारक सिक्के बोलते हैं. और ये इंडिया गवर्नमेंट मिंट है, जो भारतीय टकसाल बोलते हैं, तो उन सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं. तो जैसे कि आपने जाना और डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने हमें बताया कि संस्मारक सिक्के भी है एंड ही होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ द सेम टू. सो आई एम एक्साइटेड टू सी द कलेक्शन. एज ही टोल्ड कि हाँ, जो स्टैम्प्स है वो उनका जो प्रोडक्शन है दैट इज़ मच हायर इन कंपैरिजन टू कॉइन्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज कॉइन के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या मेकिंग है दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट. जैसे कि इन्होंने हमें संस्मारक सिक्कों के बारे में बहुत कुछ बताया. इट इज़ इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो इसकी और हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. तो इनकी कीमत के बारे में या वैल्यू के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि सिर्फ 3 या 4 ही एक साल में प्रोड्यूस होते हैं या पाए जाते हैं. तो आई एम श्योर कि दे मस्ट बी मोर एक्सपेंसिव दैन द अदर कॉइन्स या मोर वैल्यूएबल दैन द अदर कॉइन्स. सो वील आस्क डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कि वॉट इज़ इट ऑल अबाउट. जैसे संस्मारक सिक्के हैं, तो एक संस्मारक स्टैम्प जो होता है वो तो उसकी वैल्यू वही होती है जो मार्केट में है, मतलब जो सरकार लेती है, इंडिया पोस्ट जो भी लेती है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये. लेकिन संस्मारक सिक्कों के कंडीशन में ये बहुत कीमत में बहुत फर्क होता है. अगर एक संस्मारक सिक्का, एक कम्युनिटी कॉइन, हम एक सेट जो लेते हैं, वो आज की डेट में 4,000 रुपये का एक सेट आता है. तो और इसको लेने की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग है. मतलब इसको गवर्नमेंट एड निकालती है कि ये सिक्के जारी होने वाले हैं तो आप बुक करिए, तो आपको पैसा दे के बुक करना पड़ता है. फिर वो आगे आने वाले 6 माह से 1 साल के बीच में आपको डिलीवर होता है. तो एक सेट लेने के लिए आपको 1 साल का समय लग जाता है, जबकि स्टैम्प्स में आप जब भी वो जारी होते रहते हैं और आप जाके ले लेते हैं फिलैटेलिक ब्यूरो से. तो ये संस्मारक सिक्के जो हैं, इनको टाइम ज़्यादा लगता है डिलीवर होने में, इनकी कीमत ज़्यादा होती है. और जब ये जारी होते हैं तो किसी अवसर पर जो कि पहले से तय हो उस पे जारी होते हैं. इस पे हम डिमांड पे विभिन्न संस्थाएं जो है वो डिमांड पे बनवा लेती हैं. जैसे मान लो तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक जी की एनिवर्सरी है, तो उनकी जो सोसाइटी, उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा तो उन्होंने बनाया. या अपने छत्तीसगढ़ के श्यामाचरण शुक्ल जो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर जो, तो उनके जो NGO थी उन्होंने डिमांड किया कि हम ये छपवाना चाहते हैं, तो उस पे बना. तो इसमें डिमांड पे भी बनते हैं, कुछ गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है. इवेंट्स बनते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें बने, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उस पर बने. तो ये इस प्रकार के सब ये बनते हैं. तो वही मेरे मन में यही क्वेश्चन था कि जो संस्मारक सिक्के हैं, कौन सा ऐसा कोई फेमस इवेंट या कौन सा ऐसा कोई फेमस पर्सन की 1 या 2 एग्जाम्पल ये हमें दे पाए कि द कॉइन्स दैट ही ओन्स या फिर जो फेमस संस्मारक सिक्के हैं उनके 1 या 2 कुछ हमें इंस्टेंसेस बता पाएंगे, फिर हम ज़रूर देखेंगे भी इनकी कलेक्शन. मेरे पास तो जो शुरू से जो गवर्नमेंट ने जारी किया है वो शुरू से आज तक के सभी संस्मारक. अच्छा, मतलब ही हैज ऑल ऑफ देम. ये सभी अवेलेबल हैं. इसको सर्वप्रथम 1954 में गवर्नमेंट, जब इंडिया भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इन्होंने पहला जारी किया. उस समय ये केवल सेट थे, मतलब जब आपको मालूम होगा कि 54-55 तक आना सिस्टम चलता था, आना, 2 आना, 1/4 रुपी, 1/2 रुपी और 1 रुपी. 1957 से ये चालू हुए
एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा, पाँच पैसा, दस पैसा, बीस पैसा, पच्चीस पैसा, पचास पैसे और एक रुपये, तो ये पैसे वाला सिस्टम आया। तो उस समय गवर्नमेंट ने ये इन सिक्कों को अलग से बनाकर जारी किया कि लोगों को समझ में आए कि ये सिक्के अब ये चालू होने वाले हैं। तो संस्मारक सिक्कों में पहला जो सेट जारी हुआ वो इस प्रकार के सिक्के जारी हुए, तो वो 54 से शुरू हुए, 54, 55, 56 ऐसे ये सब सेट जारी हुए। ओके, तो अब देखते हैं एक या दो कॉइन्स ये ला पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज़ अ वेरी मैसिव कलेक्शन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट ऑल हेयर। तो मैंने इनसे बहुत फोर्स किया कि थोड़े से तो हमें दिखाइए, बिकॉज संस्मारक सिक्कों के बारे में मैंने तो इससे पहले कभी नहीं सुना था। वी हैव ऑल हर्ड अबाउट स्टैम्प्स, और कल से हम भाई डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट स्टैम्प्स एंड कॉइन्स। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे सिक्के हैं विच आई वुड लाइक टू शो यू ऑल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू। तो पहला मैं दिखा रहा हूँ मदर टेरेसा का, जो उनकी बर्थ सेंटेनरी हुई थी, मतलब जन्म को 100 साल, उसमें जो निकले थे ये सिक्के ऐसे आते हैं। और ये आप, अरे वाह, इसमें 100 रुपये का सिक्का है। इसको पलट के देखेंगे तो दूसरी तरफ मदर टेरेसा का फोटो। और अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि बाकी अगर सिक्के देखें तो उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि वो काफ़ी पुराने हैं, बट दीज आर ऑल्सो न्यू एंड यू नो वेल कैप्ट दैट दे लुक सो ब्यूटिफुल। एंड जो इनका मैसेज है, जो संस्मारक सिक्के इनको बोलते हैं, इट इज़ वेरी क्लियर। सो एक थोड़ा सा फोकस मैं दिखाना चाहूँगी सो दैट एवरीवन कैन सी हु इज़ वॉचिंग द शो। इन सिक्कों में दोनों तरफ रहेंगे, एक तरफ इसकी वैल्यू रहेगी और एक तरफ जिसके जिसके नाम स्मृति में जारी हुआ है उसके पर रहेंगे। तो ये मदर टेरेसा का है। तो ऐसे अधिकतर अवसरों पे, सभी अवसरों पे साल में 4 से 5 जारी होते हैं। एक छोटी सी झलक देखी आपने इनके सिक्कों की, संस्मारक सिक्कों की। आगे बढ़ते हुए आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे हम सब ने देखा कि उस पर एक डिनोमिनेशन लिखा था, एक नंबर लिखा था, उस नंबर का क्या मतलब, वॉट वैल्यू डज इट होल्ड, कि वो डिनोमिनेशन ये किस हिसाब से, क्या ये सर्कुलेशन में आते हैं, क्या मेटल के ये बने हैं, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ये जो कम्युनिटी कॉइन सेट्स हैं, तो इनमें जैसे आपने देखा इनका सेंट बर्थ सेंटर पर जारी हुआ था, तो 100 साल पे तो 100 रुपये उसकी वैल्यू लिखी है। लेकिन वो सेट आपको 4000 का मिल रहा है। तो वो सिक्के मार्केट में सामान्य रूप से 100 रुपये में चल तो जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत उससे कई गुने ज़्यादा है। अच्छा, और मतलब चल जाएंगे मार्केट में, चलाएंगे तो चल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी ऑफिशियल टेंडर है, गवर्नमेंट का है और ऑफिशियल टेंडर है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट नोट दैट या चल जाएंगे मार्केट में, लेकिन ऐसा कभी सोचिएगा मत करने का, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसका मेटल जो है करीब 30 ग्राम, 1 औंस का सिक्का है बड़ा वाला जो है, तो 30 ग्राम उसमें कॉपर निकल और चांदी है, मतलब 15-16 ग्राम चांदी है। तो 15-16 ग्राम यदि चांदी आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, 500 रुपये के आसपास हो जाती है। फिर इनकी जो बनाने की टेक्निक है, वो जब डाई बनती है सिक्का बनाने में, तो वो डाई के जो पहले 50 या 100 सिक्के बनते हैं, उन सिक्कों से ये प्रूफ सेट बनते हैं, जो इन्हें प्रूफ करते हैं, जो उसकी क्वालिटी बहुत, उसकी डेप्थ, उसमें एक एक फिगर बहुत शानदार रहता है। उसके 100 सिक्के बनने के बाद के जो 100-200 बनते हैं, वो अनसर्कुलेटेड या UNC कॉइन कहलाते हैं। उसके बाद जो सिक्के बनते हैं वो मार्केट में आते हैं सर्कुलेशन में, तो क्वालिटी वहाँ से गिरते जाती है। हाँ। क्योंकि शुरू में कोई भी डाई जब है वो बार बार स्टक करेगा मेटल पे, तो कुछ तो डैमेज हो गई डाई, तो वो क्वालिटी गिरते जाती है। तो वही है कि जो प्रूफ सेट हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, उसमें डेप्थ अच्छी होती है, वो डबल स्ट्राइक होता है, नॉर्मली सिक्के सिंगल स्ट्राइक से बनाए जाते हैं, ये 2 बार स्ट्राइक करके बनाते हैं, तो जो उसमें मेटल लिखा है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। वही आई'ड लाइक टू मेंशन कि we have discussed about so many topics and related to coins and stamps, पर इसके बारे में पता करने में और इसको देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि these coins look so nice, they are so beautiful that you would want to know more about them, and I'm so glad that he's telling us actually so much about it. So थोड़ा और बताइए कि what else do you have for us to see? तो जैसे बताया मैं कि अलग अलग अवसरों पर जा रही हुए हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी पर जा रही हुए हैं, तो अभी मैं 4 यहाँ पे लेके आया हूँ। तो एक तो मदर टेरेसा मैंने दिखाया कि एक सोशल फिगर हैं जिन्होंने सोशल लाइफ में बहुत काम किया है। दूसरे जैसे पॉलिटिशियन हम देखते हैं, तो ये मौलाना
इनके अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर है। तो ये कॉइन्स आपके पास कहाँ से आए? ये खरीदे हुए हैं? हाँ, ये खरीदे हुए होते हैं। अच्छा। ये तो गवर्नमेंट जारी करती है, तो ये मौलाना अबुल कलाम के 5 रुपये का इसमें सिक्के हैं। तो कितने हैं लगभग आपके पास अभी तक? ये करीब 300 जारी हो चुके हैं अभी तक, सिंस बिगिनिंग। एंड यू हैव ऑल ऑफ देम? हाँ, सभी है मेरे पास। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कॉइन्स के मामलों में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो डॉक्टर भानु प्रताप सिंह के पास नहीं है? तो धीरे 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 होते गया है, है ना। उसके बाद जैसे अब धार्मिक उसमें जाए तो माता वैष्णो देवी पे है, इनका निकला है इस टाइम। तो इनका श्राइन बोर्ड जो है ना, एक्चुअली भगवान पे निकालना मना है, भगवान पे नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये सिक्के का दुरुपयोग या कहीं भी जाएगा, किसी भी हाथ में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो इसके खिलाफ वैल्यू गिराने की बात। हाँ, कोर्ट में केस भी हुआ था कि आप माता वैष्णो देवी का आपने रखा है। फिर कैसे निकला? हाँ, ये निकल गया उसके बाद आया फिर गवर्नमेंट, चूँकि श्राइन बोर्ड पे निकला है। अच्छा। तो ये किसी के पास जा सकता है, कहीं नाली में पड़ा हो सकता है, कहीं गंदे हाथों से कोई छू सकता है, तो धार्मिक भावनाएँ आहत हो रही थी, तो इसमें कोर्ट में केस चला था। अच्छा। तो उस हिसाब से उन्होंने सबूत किया था, तो ये माता वैष्णो देवी पे निकला था। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी अगर हमारे पास टाइम है तो, दो तीन क्वेश्चन मेरे दिमाग में और है इफ़ टाइम अलाउज अस। तो 100 का तो जैसे हमने देखा, लेकिन बाकी और क्या डिनोमिनेशन के सिक्के हैं? हाँ, ये भी एक दिलचस्प है, मतलब इंसिडेंस है कि पहले तो एक रूटीन सिक्के निकलते थे कि 5 रुपये, 1 रुपये, 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, लेकिन कालांतर में 100 रुपये हुए, 50 रुपये हुए, ये भी एक इवन फिगर्स हैं। लेकिन पिछले 8-10 सालों से कुछ नए इसमें नए चीज़ें हुई, जैसे मतलब लोगों को आश्चर्य भी हुआ और खुश भी हुए कि ऐसा भी होता है। जैसे बृहदेश्वर मंदिर, तो 1000 साल हुए बृहदेश्वर मंदिर के आज से लगभग 6 साल पहले, तो सरकार ने जो सिक्का निकाला वो 1000 रुपये का उसमें डिनोमिनेशन था, जबकि नॉर्मली आप 1000 रुपये का सिक्का आपने सुना भी नहीं ना देखा किसी ने, लेकिन वो 1000 रुपये के सिक्के जारी हुए। इंडिया गवर्नमेंट मिंट जिससे सिक्के बनते हैं उसके 60 साल होने पर अलीपुर कलकत्ता का, उन्होंने 60 रुपये का सिक्का निकाला। फिर प्लेटिनम जुबली ऑफ एयरफोर्स, उन्होंने 75 रुपये का सिक्का निकाला। फिर 150 साल, 160 साल, ऐसे बड़े 8 फिगर्स के वैल्यू वाले सिक्के भी गवर्नमेंट ने निकाले, तो वो एक अलग टाइप की चीज़ हो गई और लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा कि देखो गवर्नमेंट अब इस टाइप के सिक्के भी निकाल रहे हैं कि कोई 60 रुपये की वैल्यू है, किसी की 75 रुपये की वैल्यू है, किसी 100 रुपये की वैल्यू है, कोई 150 रुपये का है, कोई 1000 रुपये का है। लेकिन जो कॉइन के मेटल और बाकी चीज़ें सेम है, मतलब उसमें कोई ये नहीं कि 1000 रुपये का है तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं। फिर भी 1000 से ज़्यादा के, क्योंकि वो सिक्के 4000 के आसपास, आज की डेट में 4000 के आसपास उन सेट्स की कीमत है, तो इसलिए वो सिक्के भी निकले जो बच्चे लोगों में या जो नए लोगों में कौतूहल पैदा करते हैं कि यार ये भी, एक जन सामान्य वाला भी देखता है कि 1000 रुपये का सिक्का, तो वो भी सोचता है कि इसे मैं कलेक्ट कर लूँ, तो वो भी एक इन्होंने जमा किया, वो भी चालू किया। तो ऐसा है कि ये कॉइन्स ईजिली अवेलेबल है कि कोई भी जाकर हु हैज इंटरेस्ट कैन बाय देम, लेकिन इन कंपैरिजन टू योर अदर कलेक्शन जो कि इतनी मेहनत से आपने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करा है, आपको नहीं लगता कि संस्मारक सिक्कों की वैल्यू उतनी नहीं है क्योंकि हर कोई उसको आजकल खरीद सकता है? नहीं, ये आसानी से आप नहीं पा सकते। अच्छा। क्योंकि इस एक पीरियड के लिए रिलीज होते हैं। ओके। अगर ये सिक्का निकलना है तो आपको 1 माह या 1.5 माह की बुकिंग पीरियड के लिए रिलीज होते हैं और उस पीरियड के अंदर ही आपको बुक करना रहता है। अच्छा। अगर आपने उस पीरियड में बुक किया तो आने वाले 6 महीने से 1 साल के बीच ये आपको सप्लाई होंगे, उसके बाद इसकी बिक्री बंद हो जाती है। सो दैट इज इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पीपल हु वुड वांट टू स्टार्ट देयर ओन कलेक्शन। लेकिन आजकल इंडिया, क्योंकि भारतीय टकसाल आजकल उन्होंने नया सिस्टम चालू किया कि री बुकिंग फिर से कर रहे हैं और कई सिक्के अवेलेबल हैं, लेकिन सभी नहीं, कई सिक्के अवेलेबल हैं और पुराने जो थे, मतलब आज से 2010 के पहले के जो सिक्के थे वो सिक्के नहीं मिलेंगे, वो मार्केट में आपको डबल ट्रिपल 10 गुने रेट में मिलेंगे। हाँ। लेकिन नए जो हैं, हाँ, नए जो हैं वो रिप्रिंट होके फिर से मिल रहे हैं। सो एज वी सॉ दैट दीज कॉइन्स होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे कोई इंसान, शख्सियत, इवेंट कि जिनके नाम पे ये सिक्के रिसेंटली जारी किए गए और बहुत महंगे हैं, मतलब ऐसा कुछ जो बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये भी एक है जो होता है, हो सकता है, क्योंकि कई बार जैसे ये गवर्नमेंट के डिसीजन है कि किस सिक्के को जारी करना है, किस अवसर पर जारी करना है, तो कई बार क्या हुआ है कि जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उसको मान लो उसके लिए तो 6 महीने पहले से प्रोसेस चालू हो जाता है,
क्योंकि सिक्के की डिजाइनिंग, सिक्के की प्रिंटिंग, ये सब में बहुत समय लगा है। और ये सिक्के बन गए और किसी कारणवश वो इवेंट कैंसिल हो जाता है। अच्छा। तो वो सिक्के मार्केट में नहीं आते, लेकिन अनऑफिशियली मार्केट में आ जाते हैं और बहुत रेयर हो जाते हैं। जैसे 1996 में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होना था कलकत्ता में, तो वो नहीं हुआ। अच्छा। तो ये सिक्के जो निकले, अच्छा, ये सिक्के मार्केट में धीरे धीरे आ गए, लेकिन वो मतलब ऑफिशियली इशू नहीं हुआ। तो वो बहुत कीमती हैं। उसके अलावा जो 1954-56 जो बताया था मैंने, वो सिक्के बहुत कम मात्रा में बने और लोगों को अवेयरनेस नहीं थी उसमें। वो सिक्के भी एक एक सेट लाख लाख रुपए का है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये ऑर्डर पे बनते हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट एक बुकिंग निकालती है और जितने आप बुक करते हैं उतने ही बनते हैं। तो एक महात्मा बसवेश्वर, उनके ऊपर जो सिक्के जब उन्होंने गवर्नमेंट ने निकाला तो बहुत कम लोगों ने उसकी बुकिंग की। नॉर्मली ये 10,000 से 8-10,000 बनते हैं, लेकिन उसकी बुकिंग शायद 1,000 लोगों ने ही की, पता नहीं क्यों, क्या जो भी कारण हो। वो सिक्के बहुत कीमती, मतलब आज की डेट में उसकी कीमत 2-3 लाख रुपए, क्योंकि वो बने ही नहीं। इसके बाद कई बार इंदिरा गांधी के डेथ के बाद एक निकला, वो भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि एक उस समय इंदिरा गांधी बहुत मतलब हिट पर्सनालिटी थी और लोग ने बिल्कुल जमा किया, तो मार्केट से गायब हो गया, तो वो भी एक बहुत कीमती है। तो ऐसे कई सिक्के हैं जो निकलते हैं या नहीं निकल पाते हैं या कम निकलते हैं, तो वो सिक्के दुर्लभ हो जाते हैं। उनकी रेयरिटी होती है और उनकी कीमत, जो कलेक्शन का जो भी मार्केट है उसमें रेयरिटी की बहुत वैल्यू है। जो चीज़ कम है वो चीज़ कीमती होती है। तो ऐसे सिक्के हैं जो महंगे हो गए हैं और कम मिलते हैं, किसी किसी के पास ही हैं। सो टू सम इट अप, बेसिकली इज ट्राइंग टू से दैट कोई भी बड़े इवेंट को रजिस्टर करने के लिए या कोई भी बड़े इवेंट को की मेमोरी बनाने के लिए ये सिक्के बहुत काम आते हैं। तो भले ही ऐसे इन्होंने काफ़ी एग्जांपल्स दिए कि कुछ इवेंट्स जो हुए ही नहीं, उनके नाम पे भी ये सिक्के जारी करे गए, एंड इवन ही इवन हैज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम। तो एक और कोई हम देखें सिक्का आपका, एक क्लोजअप अगर दिखाना चाहें। 10 रुपये और 5 रुपये के जारी है। ये वैष्णो देवी साइन बोर्ड पे था, ये भी बड़ा विवादास्पद सिक्का, लेकिन अंततः इनके पास ये भी है, इनके पास सब है। कंक्लूडिंग आवर डिस्कशन हियर, वी हैव सीन कि जो भी इनके पास अभी तक की कलेक्शन है, इट इज़ वेरी रेयर एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल होल्ड द सेम। तो अगर इनकी रेयरिटी की बात करें, ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं कि ये सिक्के, वो सिक्के कुछ रेयर हो गए या सबके पास अवेलेबल नहीं है या बहुत ही कम इशू हुए, तो उनके बारे में कुछ बताइए। एंड इफ़ यू हैव द सेम, इसमें जैसे कई बार तो जैसे बताया मैंने कि कैंसिल हो गए, कम बुक हुए, और इसके अलावा कई बार गलतियां होती हैं, जैसे कि अच्छा। सभी इंसान हैं, गलती होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ सिक्के के बनने में छपने में गलतियां हो गई, उस पर लोगों ने बाद में ऑब्जेक्शन लिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस की सेंटेनरी 1996 में थी कि 1997 में थी, ये अच्छा। इसी में गड़बड़ हुआ, कलकत्ता मिंट ने 1996 में छाप के निकाल दिया, इवन मार्केट में सर्कुलेट हो गया, तो वो फिर वापस लिया गया कि ये गलत हो गया। 1997 में फिर से बना, तो 1996 वाले जो सिक्के हुए वो रेयर हो गए, क्योंकि 1996 में वो गलत हुआ था तो वो वापस कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो गलतियाँ बोले और गड़बड़ी बोले कि ये मिंट से निकल आते हैं, जितना भी ये माने बंद हो या इसको वापस लिया जाए, ये मार्केट में आ ही जाते हैं, तो कहीं तो कुछ लैपिना है तभी तो बाहर आते हैं। तो 1996 का सुभाष चंद्र बोस रेयर हो गया और महंगा हो गया। फिर अभी करीब 10 साल पहले बाल गंगाधर तिलक का एक सिक्का निकला था, उसमें बाल गंगाधर तिलक की जो सोसाइटी थी उन्होंने बोला था कि इसका निकाला जाए, तो उसमें नाम उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी कर दिया। तो तिलक जी पे उन्होंने आपका ऑब्जेक्शन लिया कि इनका पूरा नाम आना चाहिए, तिलक जी क्यों किया आपने? तो गवर्नमेंट में तिलक जी वाले को कैंसिल करके फिर बाल गंगाधर तिलक लिख के सिक्का निकाला, तो तिलक जी वाला सिक्का वो भी रेयर हो गया। तो ऐसे कई इवेंट्स हैं जिसमें कुछ गलती हो जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट तो काफ़ी हाई होती होगी, प्रोडक्शन कास्ट तो अच्छी हाई रहती है और गवर्नमेंट का है, और जैसे वेस्ट हो जाए सिक्के,
वेस्ट कहाँ होता है, जब रेयर होता है तो कीमती हो जाता है और कीमत हो जाती है उसकी, लेकिन गवर्नमेंट को तो लॉस होता है क्योंकि वो सिक्के, और जितना अर्ली पकड़ लेते हैं उतना कम लॉस होता है। फिर जैसे एक बताया मैंने कि ये सिक्के जब जारी होते हैं तो ये इसके VIP सेट्स बनते हैं, किसी फंक्शन में जारी होते हैं। स्टैम्प भी एक छोटे फंक्शन में जारी होते हैं, लेकिन ये सिक्के बहुत बड़े फंक्शन से जारी होते हैं और एक जगह जारी होते हैं, तो उसके लिए VIP जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री वो इसे रिलीज़ करते हैं। तो जैसे वैसे देखिए मैंने बताया इसका एक VIP सेट होता है जिसमें एक बड़े फ्रेम में सिक्के लगे रहते हैं और वो VIP सेट कहलाते हैं। वो भी मेरे पास एक दो हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत ही कठिन है उसे पाना, क्योंकि वो जैसे 4 या 6 बनते हैं तो वो बड़े बड़े VIP को मिल जाते हैं, तो कई बार किस्मत से वो मिल जाते हैं। तो वो VIP हो गया, फिर एक वो VVIP हो गए जो सबसे बड़े हैं, फिर एक VIP सेट आता है तो छोटा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो स्टैंडिंग रहते हैं और उसमें अलग डिजाइन बनाया जाता है, तो वो VIP सेट्स हो जाते हैं, वो भी कास्टली होते हैं। कई बार कुछ लोग बनवाते हैं तो अपने हिसाब से कुछ डिज़ाइन करवा लेते हैं, तो वो जो संस्था है या जो यूनिवर्सिटी है जो भी अपने जारी करवाती है वो कई बार उसे कुछ प्रीमियम में बेच देती है, थोड़े ज़्यादा रेट में वो मार्केट में बेचती है। वैसे कई हैं जो अलग, जो नॉर्मल से अलग जो भी है वो कीमती है, नॉर्मल से जो अलग है वो कलेक्टेबल है, तो वो ये सब चीज़ें जो हैं इसी में एक अलग फील्ड आती हैं कि आपका सिक्का जो है वो बाकी से औरों से अलग है, वो आपको एक अलग देता है जगह कि आपका सिक्का बन रहा है, आपके पास वो सिक्का है जो दूसरे के पास नहीं। मुझे अब तक लगता था कि संस्मारक सिक्कों का कलेक्शन करना बाकी सिक्कों से थोड़ा इजी है, बट ही हैज डेफिनेटली प्रूव्ड मी रॉन्ग। इसका भी कलेक्शन करना और स्पेशली रेयर सिक्कों का कलेक्शन करना इज वेरी टफ। यू हैव टू टेक आउट योर सोर्सेज एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद ऑल द अपकमिंग इवेंट्स जो कैंसिल भी हुए हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी रखो। बिल्कुल, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। उसे लेने के लिए इसमें कई बार जैसे VIP सेट के लिए हम जो रिलीज फंक्शन में पहुंच जाते हैं, कोई मिनिस्टर को मिला उसे रिक्वेस्ट करके मांगते हैं कि आपके काम का तो है इसे हमें दे दीजिए, तो इस टाइप का कलेक्ट सभी कलेक्ट, मैं ही नहीं कई ऐसे कलेक्टर्स जो इन सब इवेंट्स में जाते हैं, वो लेते हैं पूरा, और इस प्रकार से ये कलेक्शन एक आपके कलेक्शन को एक नई ऊंचाई देता है, नया आयाम देता है कि ये सिक्के आपके कलेक्शन आ जाए। ओके, सो इट वॉज इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड वीड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड विद आर अपकमिंग टॉपिक्स, फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड।